हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे परम्यूटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? डीकम्पोज द परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन हमको दिया हुआ है, हमें इसे डीकम्पोज करना है किसमें? ट्रांसपोजिशंस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोजिशन क्या होता है। जो भी हमारा कोई भी अगर हमें साइकिल मिलता है और वो लेंथ 2 का है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? ट्रांसपोजिशन कह सकते हैं। कोई भी साइकिल जिस लेंथ 2 का अगर हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? डीकम्पोज करेंगे, और डीकम्पोज करने के लिए, ट्रांसपोजिशंस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें साइकिल्स फाइंड करेंगे कि क्या क्या साइकिल हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइकिल फाइंड अगर हम करें तो हमको क्या क्या मिलेगी यहाँ पे देखते हैं। 1 6। अब 6 देखें कहाँ पर है, हीरा 6 1। तो 1 हमने स्टार्ट करा और वापस से हमें क्या मिल गया? 1। तो एक साइकिल तो हमारे लिए हो गया 1,6, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट 2 5, 5 देखो 5 3, 3 देखो 3 2। तो हमने 2 से स्टार्ट करा, 2 से 5 गए, 5 से 3 गए, 3 से 2 आ गए। तो 2 से शुरू करा, 2 पे ही खत्म हो गया। क्या साइकिल मिला? 2 3 5, ये साइकिल मिला हमको। नेक्स्ट क्या है? 2 हो चुका, ये वाला कॉलम हो चुका। नेक्स्ट क्या है? 4। 4 का 4 से ही मैपिंग है, कुछ नहीं आएगा, सीधे 4। और 5 वाला हो चुका, 6 वाला, नेक्स्ट क्या बचा? 7। तो ये हमको इस तरीके से यहाँ पे हमने इनको क्या कर लिया? डिसजॉइंट साइकिल्स यहाँ पर हमने इसके बना लिए। अब क्योंकि यहाँ पे 4 और 7 सिंगल एलिमेंट है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये जो साइकिल्स फॉर्म हो रहे हैं केवल हम इनको ही यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि हमारे पास जैसे 1 और 6 है, ये तो हमारा लेंथ 2 का है, तो इट मीन्स ये हमको एक ट्रांसपोजिशन यहाँ पर मिल गया। लेकिन जो 2 3 5 हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये लेंथ 3 है, लेंथ 2 नहीं है। और जबकि हमें ट्रांसपोजिशन के लिए कितना चाहिए? लेंथ 2 चाहिए। तो अब हम इसके में से क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन को फाइंड करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिमूव 4 and 7 because of single element। तो हमारे पास जो बच जाता है वो है 1,6 2,3,5। Now represent transpositions एज, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1,6 तो है ही, 2,3,5 में से देखो कैसे फाइंड करेंगे। ट्रांसपोजिशन जब हम निकालते हैं तो हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 का किसके साथ लेंगे? एक साइकिल हम 3 के साथ ले लेंगे, और 2 का किसके साथ ले लेंगे? एक 5 के साथ ले लेंगे। ठीक, तो हमको ये लेंथ 2 के मिल गए, इनमें भी दोनों की लेंथ कितनी है? 2। तो एक हमारे पास ऑलरेडी था 1,6, और 2 हमको ये मिल गए। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रांसपोजिशंस हो गए? तो ट्रांसपोजिशंस कितने हो गए? 1,6, 2,3, 2,5। तो ये हमको इसमें मिल गए, जो हमको ट्रांसपोजिशंस में डीकम्पोज करना था वो हमको मिल गया। इस तरीके से हमने इसको कर लिया, दिस इज द आंसर। तो हमको यही ध्यान में रखना है कि जब हम ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे तो जो लेंथ 2 की साइकिल होती है वो हमारी ट्रांसपोजिशन कहलाती है। तो सबसे पहले अगर कोई सिंगल एलिमेंट हमको मिल रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे, और उसके बाद जो बचता है अगर उसमें वो लेंथ 2 का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको लेंथ 2 का इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ लेंगे, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का ही 5 के साथ लेंगे, और इस तरीके से लेंथ 2 के ट्रांसपोजिशन हमने यहाँ पर बना लिए। तो जो भी परम्यूटेशन हमको दिया हुआ था हमने उस तरीके से उसको ट्रांसपोजिशंस में डीकम्पोज कर दिया। थैंक यू।